सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडियाना के बारे में, जो साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है 160 प्लस गेम्स और 15 प्लस साइट्स का। 100 प्लस ब्रांच इनके इंडिया में है, जहाँ आपको 24/7 का विड्रॉल मिलता है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी है। और अभी कॉन्टैक्ट करने पर रेडियाना फ्री में काफी सारा बोनस देंगे, तो अभी ज्वाइन कर लो रेडियाना। दोस्तों, आईपीएल 2022 में आरसीबी की टीम अपना अगला मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलेगी, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये मैच किस तारीख को कितने बजे से स्टार्ट होगा, पिच रिपोर्ट, विद रिपोर्ट, इस मैच का प्रेडिक्शन, दोनों ही टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11, यानी कि आरसीबी के प्लेइंग 11 में कौन कौन से स्टार प्लेयर्स की वापसी होगी। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल 2022 में आरसीबी की टीम अपना अगला मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलेगी, तो इस मैच के डेट और टाइमिंग के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो अभी तक आईपीएल इतिहास में आरसीबी और राजस्थान की टीम आपस में 25 बार भिड़ चुकी है, जिसमें से 12 बार आरसीबी, वहीं 10 बार राजस्थान की टीम जीती है। तो हेड टू हेड स्टैट्स में आरसीबी टीम का पलड़ा भारी है। तो अब बात करते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगले मैच से मोस्ट प्रोबेबली ग्लेन मैक्सवेल और जॉस हेजलवुड अवेलेबल हो सकते हैं। तो आरसीबी के प्लेइंग 11 के टॉप ऑर्डर के बारे में बात करें, तो इस टीम के लिए ओपन करेंगे फाफ डू प्लेसिस और अनुज रावत, तीसरे नंबर पर विराट कोहली, इसके बाद मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल, पांचवें नंबर पर दिनेश कार्तिक, छठवें नंबर पर शहबाज अहमद और सातवें नंबर पर महिपाल लोमरोर, इसके बाद लोअर ऑर्डर में आठवें नंबर पर वनिंदु हसरंगा, नौवें नंबर पर हर्षल पटेल, दसवें नंबर पर जॉस हेजलवुड और ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज। तो आरसीबी की टीम अपने अगले मैच में इसी प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, तो ये टीम अपने प्लेइंग 11 में कोई भी बदलाव नहीं करेगी, यानी कि इस टीम के प्लेइंग 11 के टॉप ऑर्डर में आएंगे जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, तीसरे नंबर पर कप्तान संजू सैमसन, इसके बाद मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर देवदत्त पड्डीकल, पांचवें नंबर पर सिमरन हिटमायर, छठवें नंबर पर यान पराग, सातवें नंबर पर जिमी निसम और आठवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन, वहीं लोअर ऑर्डर में नौवें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, दसवें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा और ग्यारहवें नंबर पर यजुवेंद्र चहल। तो यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम आरसीबी के खिलाफ इसी प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। तो अब बात करते हैं इस मैच के पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट और मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्टार्ट होगा। तो यहां पर शुरुआत में पेसर्स को मदद मिलेगी और इस पिच पर लगभग 170 से ऊपर का स्कोर बनते हुए नजर आ सकता है। और वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करें, तो मौसम पूरी तरीके से क्लियर होगा और इस मैच के सेकेंड इनिंग में एक बार फिर से ओस गिरने की संभावना है, यानी कि जो टीम टॉस जीतेगी तो वो टीम टॉस जीत करके सबसे पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। इसके बाद इस मैच के डेट और टाइमिंग के बारे में बात करें, यानी कि किस तारीख को कितने बजे से आरसीबी और राजस्थान के बीच मैच खेला जाएगा। तो आईपीएल 2022 के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अप्रैल के महीने में, यानी कि 5 अप्रैल को आरसीबी वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने को मिलेगा, यानी कि अब से लगभग 4-5 दिनों बाद आरसीबी और राजस्थान की टीम आपस में मैच खेलेगी। और इस मैच के टाइमिंग के बारे में बात करें, तो ये मैच शाम के समय में स्टार्ट होगा, यानी कि शाम 7:30 बजे से आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स का मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आरसीबी की टीम अपना तीसरा मैच 5 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी। तो अब बात करते हैं इस मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो ऑन द पेपर दोनों टीमों का प्लेइंग 11 काफी ज्यादा मजबूत है और आरसीबी की टीम अपना पिछला मैच जीत के आएगी, तो इस टीम का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। लेकिन इस बार राजस्थान का प्लेइंग 11 भी काफी ज्यादा मजबूत है, तो अभी बताना काफी मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उस टीम के मैच जीतने के काफी ज्यादा चांस नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम मैच जीतेगी, उस टीम का नाम
कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।